जूता कारोबारी के यहाँ मिले इतने नोट की गिनते गिनते थक गए आयकर विभाग के अधिकारी। नोट गिनने वाली मशीनों ने भी मानी हार। हमारे साथ समझिए खबर का पूरा सार और जानिए कहां से आए ये नोट, आखिर इन नोटों के काफिले के पीछे है किसका हाथ। खबर समझिए हमारे साथ। अभी हाल ही में एक जूता कारोबारी के यहाँ इतने नोट मिले कि गिनते गिनते हाथ थक गए और फिर मशीन भी। आप भी नोटों की ये पूरी कहानी सुनेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार किसी जूता कारोबारी के पास इतना रुपया कैसे हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता कारोबारी के यहाँ बीते 4 दिनों से आईटी की रेड चल रही है। यहाँ आईटी इन्वेस्टिगेशन विंग को अब तक 58 करोड़ रुपए कैश, 30 करोड़ के भुगतान की पर्चियां और करोड़ों की ज्वेलरी प्राप्त हो चुकी है। इस मामले को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन विंग ने इसी शनिवार को हींग के मंडी शू मटेरियल कारोबारी हर मिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के यहां पर छापा मारा। यहां पर रामनाथ डंग 20 साल पहले आटा चक्की चलाया करते थे। इस कारोबारी के घर इतना कैश मिला कि देखने वालों के होश उड़ गए और इतने नोट देखकर आईटी विभाग भी आश्चर्य में पड़ गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि नोटबंदी और जीएसटी के बावजूद भी इतना रुपया आखिर एक कारोबारी के यहाँ कैसे इकट्ठा हो गया। इस मामले को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग ने इसी शनिवार को आगरा के एक या दो नहीं बल्कि 3 शू कारोबारी के 14 प्रतिष्ठानों पर छापामारी करी है, जिनमें एमजी रोड के बीके शू, मंशू फुटवेयर और हींग के मंडी के हर मिलाप ट्रेडर्स शामिल हैं। आईटी विभाग को सबसे बड़ी लीड हर मिलाप ट्रेडर्स के यहां मिली। हर मिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग जयपुर हाउस के आलोक नगर में रहते हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले ही आगरा में कोठी खरीदी थी। रामनाथ डंग हींग की मंडी में सिंथेटिक फॉर्म और अन्य शू मटेरियल का काम करते हैं। कुछ साल पहले हींग की मंडी में उनकी छोटी सी दुकान थी, लेकिन आज उनके पास पूरी मार्केट तैयार हो चुकी है। 20 साल पहले रामनाथ डंग मोटी कटरा में आटा चक्की चलाने का काम करते थे। अब फिलहाल ये हींग की मंडी के बड़े कारोबारी माने जाते हैं, तो वहीं अब आयकर विभाग को इसी कारोबारी के यहाँ करोड़ों का कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग भी ये सोचकर परेशान है कि इतनी नकदी रामनाथ डंग के यहाँ कहां से एकत्रित कर दिया। 58 करोड़ की नकदी को गिनते गिनते आईटी विभाग को 3 दिन लग गए। नोटों के बंडलों को गिनने के लिए बैंक कर्मियों को बुलाया गया। रुपए गिनने वाली मशीनें गर्म होकर दम तोड़ने लगी। व्यापारियों में इसको लेकर चर्चा है कि नोटबंदी और जीएसटी के बावजूद भी इतना कैश, कहीं ये रुपया हवाला का तो नहीं। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल आयकर विभाग कर रहा है। विदित है कि रामनाथ डंग सिंथेटिक फार्म के बड़े कारोबारियों में शुमार है। चर्चा है कि वे बाहरी देशों से सिंथेटिक फार्म का आयात करते हैं, जिसका बिल 40 से 50 रुपए में बनता है। इसके बाद आगरा में यही फॉर्म जूता कारखानेदारों को 600 से 650 रुपए स्क्वायर मीटर में बेची जाती है। इस कारोबार में रामनाथ डंग कई वर्षों से लगे हुए। इन पर आरोप है कि ये सरकार का टैक्स चोरी करते हैं, छोटे और मझोले जूता कारखाने वालों को ब्याज पर रुपया भी बांटा करते हैं। फिलहाल इस कारोबारी के यहाँ नोटों का जखीरा मिलने की खबर इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिस पर लोगों का गजब रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कोई इस कारोबारी को धन कुबेर कह रहा है तो कोई पूछ रहा है कि आखिरकार इतना पैसा कहां से आया। आप इस मिलने वाले नोटों की गड्डियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।